हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग के बारे में। तो फटाफट अपना टॉपिक लिख लेते हैं। आज टॉपिक ऑफ द डे इज ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग। तो ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग क्या होता है? ओके, सो ये दोनों टर्म्स समझने से पहले लेट्स फोकस ऑन फिटिंग। फिटिंग से हमारा क्या मतलब है? इन मशीन लर्निंग व्हेन वी से फिटिंग अ मॉडल, व्हाट वी एक्चुअली मीन बाय फिटिंग अ मॉडल। फिटिंग अ मॉडल से हमारा क्या मतलब है? जब भी हम किसी मॉडल को फिट करने की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम अपने मॉडल को सिखाना चाहते हैं कि वो डेटा को समझ जाए, वो डेटा के बीच में पैटर्न सीख करते हैं। इसका व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज वी गिव डेटा टू आवर मशीन, डेटा इन टू आवर मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल। व्हाट डज इट डू? मशीन लर्निंग मॉडल क्या करता है? ये पैटर्न ढूंढता है डेटा के बीच में, पैटर्न्स। इट रिकॉग्नाइजेस पैटर्न। हमारा जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो गिवन डेटा के अंदर पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करता है। दिस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न अमंग डेटा इंस्टेंसेस इज कॉल्ड फिटिंग फिटिंग डेटा इन मॉडल। इसी को हम फिटिंग कहते हैं। हम अपने मॉडल को किसी डेटा पर फिट कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम अपने मॉडल को बोल रहे हैं कि मॉडल जस्ट लुक एट द डेटा, डेटा पे देखो और पैटर्न्स डिटेल पैटर्न्स ढूंढो इसमें। नाउ कमिंग टू द ओवरफिटिंग केस, जैसे कि अब नाम से पता लग रहा है, आई बिलीव ये क्लियर होना चाहिए। ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि जो हमारे डेटा पॉइंट्स थे मशीन ने उन्हें रट लिया। फॉर एग्जांपल, लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा डेटा था, एक लीनियर डेटा की बात करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स थे, ओके, समथिंग लाइक दिस। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते थे एक लीनियर मॉडल को इस डेटा पर फिट करना। तो हमारा मॉडल कैसे कुछ ऐसा होगा, ये हमारा मॉडल होता। दिस इज द केस ऑफ फिटिंग, यह है फिटिंग। पर जब हम ओवरफिटिंग की बात करते हैं, तो ओवरफिटिंग में क्या होता, लेट मी टेक दिस एग्जांपल, दैट आई कैन यूज इट इन ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग बोथ। जस्ट गिव मी अ मिनट, बराबर से हमको शिफ्ट कर देते हैं। Let's shift it. हम तीनों के यहीं पे कवर करने वाले ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। तो हियर इज द केस, क्योंकि हम मॉडल को फिट करना चाहते हैं तो हमारी इंटेंशन ये थी कि हमारा जो मॉडल है वो कुछ इस तरह से फिट हो जाए, वो कुछ इस तरह से फिट हो जाए। बट ये केस है फिटिंग का, मैं इसमें नाम लिख देता हूँ। दिस इज द केस ऑफ फिटिंग, ये हमारी इंटेंशन थी। बट हमारे मॉडल ने क्या किया? ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होती है? जब हमारा मॉडल पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की बजाय उन सभी पैटर्न्स को, उन सभी पॉइंट्स की पोजीशंस को रट लेता है, इट इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। केस ऑफ ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग में क्या होता है? हमारे मॉडल ने पैटर्न डिजाइन करने, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की बजाय उन सभी पॉइंट्स को रट लिया। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी हम उसे कोई इनपुट देंगे, जैसे हमारा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा, जैसे मैं इस इनपुट में चेक करूँ,
इस पर्टिकुलर इनपुट के लिए मेरा जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था. बट सिमिलरली द आउटपुट विल कम हियर फॉर दिस इनपुट. द मॉडल विल गिव दिस आउटपुट, मॉडल ही आउटपुट देगा. सो ये आउटपुट गलत है, द आउटपुट इज रॉन्ग. सो व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ ओवरफिटिंग, द मॉडल इज गिविंग अस इनकरेक्ट आउटपुट. और लेट्स से मैं यहाँ इस पॉइंट को ऑपरेट करने की कोशिश करूँ या फिर यहाँ, सो मॉडल इस वैल्यू को रिकॉग्नाइज करने से मना कर देगा. वॉट इज हैपनिंग बेसिकली इज हमारा मॉडल जो है ट्रेनिंग के टाइम पे बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उसने सभी पॉइंट डेटा पॉइंट्स को रट लिया है, तो उसकी एक्यूरेसी बिल्कुल अच्छी होगी, 90% 100% एक्यूरेसी होगी. बट जब हम उस मॉडल को टेस्ट करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी ड्रास्टिकली गिर जाएगी. दैट इज द केस ऑफ ओवरफिटिंग. ओके, एंड व्हाट हैपेंस इज इन अंडरफिटिंग इज अंडरफिटिंग के केस में क्या होता है, मॉडल इस पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाता. अगर हमारा कोई लाइन मॉडल है लेकिन वो कहीं यहाँ लाइन ड्रॉ हो रही है या कहीं यहाँ लाइन ड्रॉ हो रही है कुछ ऐसा, मॉडल जो है उस पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. दैट इज द केस ऑफ अंडरफिटिंग. बेसिकली इस केस में क्या होता है, हमारा जो डेटा सेट है वो जैसे कि हमने ओवरफिटिंग के केस में बात किया, जो मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टेस्ट डेटा पे अच्छा परफॉर्म नहीं करता. बट इन केस ऑफ अंडरफिटिंग वो जो हमारा मॉडल है वो ट्रेनिंग डेटा पर भी परफॉर्म नहीं करता. इट बिकम्स ऑलमोस्ट वेस्ट एंड इट अकर्स मेनली ड्यू टू द लैक ऑफ डेटा. अंडरफिटिंग का केस जनरली तब अराइज होता है जब हमारे पास डेटा की कमी होती है. बिकॉज डेटा की कमी होने की वजह से जो मॉडल है वो समझ ही नहीं पाता डेटा के बीच में क्या होना चाहिए, या वो फीचर्स के बीच में इंस्टेंसेस के बीच में कनेक्शन नहीं इस्टेब्लिश कर पाता. सो दिस अंडर केस ऑफ अंडरफिटिंग अराइज मेनली ड्यू टू लैक ऑफ डेटा और इनसफिशियंट डेटा. इन द केस ऑफ ओवरफिटिंग अराइज मेनली ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल. कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल से हम ये समझ सकते हैं कि जरूरत थी हमें नाइफ यूज करने की, हमने स्वॉर्ड यूज कर ली, तो हमें जरूरत थी सिंपल रिलेशनल मॉडल की और हमने न्यूरल नेटवर्क्स लगा दिए. तो जब हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं, तो वो क्या करता है मॉडल, क्योंकि हर मॉडल की एक रिक्वायरमेंट होती है, हर प्रॉब्लम की एक रिक्वायरमेंट होती है. अगर हम उसके अकॉर्डिंग मॉडल यूज ना करें, हम कोई सुपरफिशियली बहुत एडवांस मॉडल यूज कर लें और वो भी कम डेटा पॉइंट्स के होगा, तो वो उस सभी डेटा पॉइंट्स को रट लेगा. सो इन दैट केस ऑफ ओवरफिटिंग में अराइज. So this is all for this video. Thank you.